हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डाउनहिल डोमिनेशन गेम को ट्राई करेंगे रियलमी 3 प्रो डिवाइस के साथ। इसके लिए जो सेटिंग्स रखी हैं ये आपके सामने हैं। रिजोल्यूशन हमने 2x पर रखा है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। और सिस्टम में सब कुछ फास्टेस्ट पर है, एकदम फास्ट पर है। तीनों स्पीड ट्विक फास्टेस्ट पर है। अब इस गेम को ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें कितना बढ़िया चलेगा। स्टार्ट मेन्यू में गेम एकदम स्मूथ है, 60 FPS के आसपास। गेम प्ले टाइम पर देखते हैं कितना बढ़िया चलेगा। ये गेम नियर फुली ऑप्टिमाइज है सिमुलेटर के साथ। थोड़ी बहुत छोटी मोटी बग हैं इसमें, कुछ एक ग्लिच हैं बारीक सी। गेम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 50 के आसपास है फ्रेम रेट। अभी 60 FPS काफ़ी स्मूथ चल रहा है। थोड़ी देर ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं आगे कैसा चलेगा। गेम यहाँ पर 60 FPS है, काफ़ी फास्ट चल रहा है। कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास फिर से रैम को लेकर। मैं कई बार बता चुका हूँ रैम के बारे में, हमेशा रैम के बारे में पूछेंगे, कभी भी प्रोसेसर के बारे में नहीं पूछेंगे। गेम्स ज़्यादा बढ़िया चलाने के लिए आपके पास अच्छा GPU होना चाहिए, और अच्छे CPU के साथ ही आपको अच्छा GPU मिलेगा। तो हमेशा जब भी कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो गेमिंग के लिए, तो तुम्हारा ध्यान प्रोसेसर के ऊपर होना चाहिए, ना कि रैम की तरफ। अगर रैम देखकर प्रोडक्ट खरीदोगे कि इसमें ज़्यादा रैम है उसमें कम है, तो आप एक गलत डिवाइस चूज कर लोगे। सिमुलेटर को इतनी ज़्यादा रैम नहीं चाहिए है, इसको सिर्फ 1 GB फ्री रैम चाहिए है। 3 GB वाले डिवाइस में 1 GB आराम से मिल जाती है फ्री रैम। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि 4 GB रैम वाला डिवाइस लो, पर रैम से गेम नहीं चलती है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा प्रोसेसर चूज करना है। ऐसा डिवाइस लो जिसमें अच्छा प्रोसेसर हो, साथ में 3 या 4 GB रैम हो, तो आपकी गेम काफ़ी बढ़िया चल जाएंगी। जो जो सपोर्टेड गेम है, स्नैपड्रैगन 710 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर साबित हुआ है। उस दिन से हम ट्राई कर रहे हैं इसको और काफ़ी अच्छी चल रही है इसमें गेम। और स्नैपड्रैगन 710 की जगह आप 675 भी ले सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, वो भी काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। यहाँ पर गेम काफ़ी बढ़िया चल रही है, कभी कभार फ्रेम ड्रॉप हो रहा है थोड़ा बहुत, और कई बार थोड़ा सा स्लो मोशन हो जाता है गेम में, अदरवाइज एकदम परफेक्ट सा चल रहा है। काफ़ी फास्ट है यहाँ पर। इस गेम में छोटी मोटी ग्लिच है, उसके अलावा सब कुछ फिक्स है इस गेम में। काफ़ी बढ़िया चलती है ये अधिकतर डिवाइस के साथ, जो जो सपोर्टी डिवाइस है। इस एमुलेटर के लिए आपके डिवाइस में मिनिमम स्नैपड्रैगन 650 होना चाहिए, उसके नीचे आप ट्राई करोगे तो फिर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम स्लो चलेंगी और उस फ्रेम रेट के साथ गेम नहीं खेली जाएंगी। ज़्यादा रैम की बजाय एक अच्छा प्रोसेसर वाला डिवाइस चूज करो। इस डिवाइस में 4 GB रैम है, और मेरे पास एक Realme 1 भी है जिसमें 6 GB रैम है, पर उसमें इतनी फास्ट नहीं चलेंगी ये गेम, क्योंकि उसमें इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। और ज़्यादा रैम होने से गेम फास्ट नहीं चलती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जितने भी नए यूज़र आते हैं यही कमेंट करते हैं इस चैनल पर कि आपके डिवाइस में कितने GB रैम है, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कौन सा प्रोसेसर है कौन सा GPU है, इनमें से एक बात नहीं पूछेंगे, सीधा रैम पर जाएंगे। क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर देते हैं और तुम्हें बताते हैं कि ज़्यादा रैम होने से गेम फास्ट चलेंगे, उनको खुद को तो पता नहीं सिस्टम काम कैसे करता है, दूसरों को सजेस्ट करते हैं उल्टा सीधा। और जितने भी न्यू यूज़र आएंगे इस चैनल पर हमेशा रैम पूछते हैं पहले, कितने GB रैम है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे।
चलो छोड़ो मिगी, गेम यहाँ पर काफ़ी बढ़िया चल रही है 60 FPS पर, स्टेज फिनिश हो गई है। इस गेम को काफ़ी देर मैंने ट्राई कर लिया है, गेम काफ़ी बढ़िया चल रही है। कभी कभार आपको इस गेम में 40 FPS तक फ्रेम ड्रॉप मिलेगा, अधिकतर गेम 55 के ऊपर चलेगा, पर कभी कभार 40 तक चला जाएगा नीचे, वो थोड़ा सा स्लो फील होगा उस टाइम पर, अदरवाइज़ काफ़ी बढ़िया चल रहा है इसमें गेम, और फ्रेम ड्रॉप होने के बहुत कम चांस हैं, अधिकतर 55 के ऊपर चलेगा गेम और एकदम प्लेबल है इस डिवाइस के साथ। आज की इस वीडियो में हम इतना ही गेम प्ले करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं डॉल्फिन एमुलेटर की गेम ट्राई करूँगा, तो उनके लिए आप कमेंट करके बता देना पहले कौन सी गेम को ट्राई करें।